नमस्ते, मैं शीतल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए, मैंने पूरी जली हुई कढ़ाई कितने अच्छे से साफ की है, बिल्कुल अंदर से देख लीजिए, आप कहीं से भी देख लीजिए। आगे मैंने इस वीडियो में बताया है तेल से जली हुई कढ़ाई को कैसे साफ करें हम। बहुत इजी तरीके से डिश वॉश यूज किया है, ना कोई जेल यूज किया है, नॉर्मल विम साबुन से और लोहे के जूने से मैंने साफ किया है और बहुत ही अच्छे ट्रिक से साफ की है। आपको अच्छी लगेगी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, मिलती हूँ अच्छी वीडियो में। कुछ पूड़ी वगैरह कुछ मतलब तलने का कुछ भी काम करते तो हमारी कढ़ाई कुछ इस टाइप से हो जाती है। ये देखिए, जल जाती है, इस टाइप से हो जाती है। तो इसको मैं साफ करने का बहुत ही इजी और आसान तरीका बता रही हूँ, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे एक और पहले बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी वो, मैं ये दोबारा बना रही हूँ आपके लिए। तो चलते हैं, इसमें क्या करना है हमें, ये पूरी ये तेल से पूरी जली हुई है, ये थोड़ा सा पानी ले लिया है, इस गैस पे रखेंगे। थोड़ा सा पानी ले लिया मैंने, इतना भी कम मत लेना कि पानी जल जाए और इतना भी ज्यादा मत लेना कि गैस ही खराब हो जाए आपकी। ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, खूब अच्छे से खोला लेंगे एक तरह से, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए, पानी खोल गया है, अब हमें इसको गैस बंद करके उतार लेना है किसी कपड़े की हेल्प से, जल नहीं जाना आपको। और फिर हमें इसको ऐसे रोटेट करना है पानी को, जहां जहां तेल लगा हुआ है ऐसे ऐसे रोटेट करके और इस पानी को डाल देना है। ये देखिए, डाल दिया पानी। अब इसे इसको हमें ठंडा नहीं होने देना है और लोहे का जूना लेना है और लोहे के जूने से इसको हल्के हाथों से, कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथों से रोटेट कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल लाइट, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कपड़े से इसको पकड़े रखना है, कहीं आप जल ना जाना। बस ये थोड़ा हल्के हाथ की, सभी गृहणियों को ट्रिक पता होती है कैसे पकड़ना है, क्योंकि ये गर्म बहुत होती है ना, और फिर ठंडी नहीं करनी है इसको। ये देखो, मैंने कोई इस पर प्रेशर नहीं डाला, कुछ नहीं करा, ये देखो सारा उतर गया है, ये सारा इसमें आ गया है। ऐसे ही हमारा जो पीछे लगा हुआ था, ऐसे ही हमें ढीले हाथों से इसको स्क्रब कर लेना है ऐसे। देखिए सारे, अब इसको हमें गिल्ला करना है। ये देखिए, 80% इसका उतर गया है, कुछ भी नहीं करा हमने। इतना उतारने के बाद एक बार थोड़ा सा फिर से गर्म पानी करेंगे, हल्का सा। पानी फिर से खोल गया है और फिर से हम ऐसे ही पकड़ेंगे और फिर से दोबारा से ऐसे ही रोटेट करेंगे ऐसे ही, क्योंकि ज्यादा ऑयल चिपका हुआ था ना ये इसमें, ये कर दिया हमने। और अब की बार हम साबुन के साथ लोहे का जूना घुमाएंगे इससे, गीला फिर भी नहीं करना हमें इसको। अब की बार थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है आपको। और एक चीज मैं बताऊं आपको, कितने ही मार्केट में प्रोडक्ट आ जाए, जब तक लोहे का जूना नहीं लग जाता ना, किसी बर्तन में साफ नहीं होता। ये सच्चाई है, अगर कोई चीज जल गई है, खराब हो गई है, उसमें लोहे के जूने से जब तक हम मल नहीं लेते वो साफ नहीं होता। घुमा लिया है, इधर पीछे भी घुमा लिया अच्छे से, पर अभी ये थोड़ी हल्की सी ठंडी हो गई है, अब हमें इसको वॉश करना है। ये देखिए, अब ये सिर्फ 5% गंदी बची है, 95% साफ हो गई है। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ वही लोहे का जूना और विम की साबुन है। फिर उसके बाद हम लेंगे, बाद हम एक जूना लेंगे हार्ड वाला और इसमें साबुन लगाकर फिर हम इसको एक बार फिर से रब कर लेंगे,
फाइनल साफ करने के लिए। देख लीजिए फाइनल, कुछ भी नहीं लगाया मैंने इसके चारों तरफ, देख लीजिए आप। आपकी साफ हो गई है।